अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हेलो। हाँ विक्रम जी बोलिए। मुझे तुमसे बात करनी है, क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकता हूँ? ठीक है, मगर 10 मिनट बाद आइएगा। ठीक है। मैंने तो 10 मिनट का बोला था, आप पहले ही आ गए। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, फिर कैसे डर गए? वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सच्चाई किसी के सामने आ जाए। आज जो हुआ है उसके बाद मुझे लगता नहीं है तुम्हें कोई पकड़ पाएगा। फाइनली मिस्टर अग्निवंशी ने अपनी पत्नी की तारीफ करी थी। वैसे ये हिम्मत मुझे आपके प्यार ने दी है। अब तो आप मुझे इस घर से आपसे दूर नहीं करेंगे ना? समझ गई। आपका दिल कह रहा है कि मैं यहां रहूं, लेकिन आपका दिमाग चाहता है कि मैं यहां से चली जाऊं, है ना? आपको नहीं लगता कि मैं कहीं भी जाऊंगी तो सुरक्षित नहीं रहूंगी, क्योंकि उस बहरूपिया ने मेरी जगह ले ली। बताइए ना मिस्टर अग्निवंशी, किसे प्लास्टिक सर्जरी से मेरा चेहरा मिला? आप झूठ मत बोलिएगा, मुझे पता है कि आप जानते हैं वो कौन है। तभी उस दिन आपने वो फाइल जला दी थी ना? अंजनी कहाँ गई? कमाल है, मुझे बोला 10 मिनट में आ जाओ और खुद ही नहीं है यहाँ पे। नहीं उठा रही पर तो कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग चुप चुप कर मिल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह। ऐसा क्यों लग रहा है वहां कोई था? ऐसा लग रहा है कि जैसे हम खुद के घर में चुप चुप के प्यार कर रहे हैं। ये तो हंस नहीं गया। कल सुबह आता हूं। देवर जी कुछ ज्यादा ही जल्दी चले गए, कितना मजा आ रहा था ऐसे लुका छुपी खेलकर। तुम्हारे अच्छा लगने के चक्कर में अगर तुम पकड़ी जाती हो और वो महक क्या? मिस्टर अग्निवंशी बताइए ना, वो महक कौन है? त्रिशा है, निहारे का है, या फिर कोई और माँ वहां? बहुत रात हो गई है, अब तुम सोने जाओ।
और इस सवाल का शायद मैं तुम्हें कभी जवाब ना दे पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि माँ इस बीच में आए। उसका हंसनी पर नजर रखना उसे मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मुझे अपनी अगली बाजी जल्दी खेलनी होगी। लेकिन तुम्हारी बुआ जी का क्या है? तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम उनके लिए सबूत जुटाओगी। फूफा जी, मैंने उस नकली मैक का कमरा छान मारा, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अब मेरी जयंती का कुछ भी पता नहीं चलेगा, कहाँ है, कैसी है। और अपनी खुदगर्जी के लिए मैं तुम्हें बार बार शेर के पिंजरे में डाल भी नहीं सकता ना। जब वो बहुरूपिया हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी। फूफा जी, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। उसके लिए अगर मुझे भूखे शेर से लड़ना पड़े तो मैं लड़ जाऊंगी, लेकिन बुआ जी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। उसे मुझ पर बहुत शक होने लगा है। उसकी नजरों में अच्छा बने रहने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अपने असली रूप में उसे कहने बहुत पसंद है। बुआजी की तस्वीर इसमें, और ये नींबू मिर्ची, इन सब का मतलब क्या है? कहीं उस बहुरूपिया ने बुआजी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया? क्या करूं? महक, हे भगवान, माँ यहाँ पर, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूं? मैं चेंज कर लेती हूँ। उसकी मौत आ गई जो इतनी जोर से दरवाजा खटखटा रही थी। तुम्हारा दरवाजा वैसे कभी बंद रहता नहीं है ना, इसीलिए कर क्या रही थी तुम अंदर? तुम्हें क्या मतलब? लॉन्ड्री के लिए कपड़े निकाल रही थी। अब बताओगी
क्यों मरी जा रही थी मुझसे मिलने के लिए? वो ये देने आई थी तुम्हें? नहीं चाहिए। उस जार में तो बुआ जी की फोटो के अलावा कुछ नहीं मिला। अब मैं क्या सबूत दूंगी फूफा जी को? अरे क्या हुआ भाभी, किन ख्याल में खोए हो? क्या आपको अपने 6 फुट वाला देवर नहीं दिखाई दिया? आपके भैया के ख्याल में। वैसे अच्छा हुआ भाभी आप मुझे यहीं मिल गई। आप इस घर की सबसे यंग लेडी है तो मुझे आपसे अपनी दिल के हालात शेयर करने थे। वो क्या है ना, मुझे हंसनी के बारे में बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे हंसनी पसंद आने लगी है, मेरा दिल आ गया उस पे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहाँ आप और कहाँ वो नौकरानी? आपको तो बहुत अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। भाभी एक सेकंड। अब क्या हुआ? कपड़े तो हंसनी के इसमें। नहीं, मैं क्यों उस नौकरानी के कपड़े रखूंगी? ये मेरे कपड़े हैं, मैंने लॉन्ड्री में देने चाह रही हूँ। मैं बोल रहा हूँ ना, ये हंसनी के कपड़े, क्योंकि इसमें से उसकी खुशबू आ रही है और उसकी खुशबू में नींद में भी पहचान सकता हूँ। ये फूलों की खुशबू है, अधिकतर लड़कियों को फूलों की खुशबू पसंद आती है, और इसमें कोई हंसनी का ठप्पा नहीं लगा हुआ है। मुझे इसे पीछा छोड़ा नहीं होगा। अगर आप उसे इंप्रेस करना चाहते हैं तो तुम उसके जीवन में फूलों की खुशबू बिखेर दो। थैंक यू भाभी जी। अब इस महारानी को गहने नहीं चाहिए। महक की शक्ल लेने से पहले तो गहनों पर दीवानी रहा करती थी, पता नहीं अब क्या हो गया इसे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। वाओ मम्मी, थैंक यू। इसे ना मैं रख लेती। अब मेरा वो अपनी, तुम्हारे लिए नहीं है ये। अब आपने जिसके लिए लाया था उसने तो लिया नहीं, तो मुझे ही दे दीजिए ना। तुम आजकल ज्यादा नहीं लड़ रही अपने हक के लिए? पहले वो झूला और अब ये, छोड़ो इसे। तो क्या करूं, अपने हाथ पर हाथ रख के बैठी रहूं और देखते रहूं कैसे आप एक असली बहू को छोड़ के उस नकली बहू को सारी चीजें दे रही है? कितनी बार तुमसे कहा नकली महक का नाम मत लिया करो, अगर उसने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कर लेगी, क्या बिगाड़ लेगी वो मेरा? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, इस घर में ना ही मेरी कोई अहमियत है और ना ही कोई हक। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं पेपर में ना एक आर्टिकल छपा दूँ, कैसे एक नकली बहू को असली बहू से ज्यादा अहमियत और हक दिया जा रहा है। मम्मी क्या कर रही हैं आप? जंग लग गया इसमें। नीरेन से कहना इसे जाकर कर बनवा कर लिया है ताकि ये ठीक से काम करने लगे। क्या कह रही थी तुम, आर्टिकल छपवाना है तुम्हें? मैं तो कुछ भी कहती रहती हूँ। दीजिए, मैं इसे वीरेन को दे देती हूँ। पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा है इस नकली महक के चक्कर में, अपनों को ही धमकाना पड़ रहा है। सिर्फ नाम की बीवी नहीं, दर्जे से भी बीवी का हक देना होगा। समय आने दो, फिर बताता हूँ तुम किस बर्ताव के लायक हो। अरे चलो जल्दी करो, पूरा घर सजाना, बाकी बेडरूम भी बचा। क्या कर रहे हो यार विक्रम, ये सब क्या कर रहे हो तुम? पूरे घर को क्यों सजा रखा है? काज ब्रो, आप ये सब नहीं समझोगे, सब ना लड़कियों को पसंद आता है। क्यों मैं एक भाभी,
अच्छा वैसे एकांश ब्रो, आपको जो भी ऑफिस ऑफिस का काम है ना, आप वो सब कर लो, मुझे भी महक भाभी की थोड़ी जरूरत है, सो प्लीज। महक भाभी, मैं ऐसे सोच रहा था यहाँ से लेके ऊपर के कॉरिडोर तक ना पूरा फूलों से सजा दूं और मैं इसे रस्सी पकड़ के उड़ के नीचे आऊं सीधा और इसे प्रपोज कर दूं, क्या लगता है? आइडिया तो रोमांटिक है, लेकिन आप ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाभी, आपने तो मुझे कहा था कि उसकी जिंदगी को फूलों से भर दो, तो मैंने सोचा मैं प्रपोज कर देता हूँ फूलों के साथ। वैसे मैंने आपसे ये कब कहा? क्या भाभी, सुबह सुबह मजाक कर रही हो मेरे साथ? कल रात ही तो हम जब कॉरिडोर में टकराए थे, आपने मुझे कहा था ये सब। मतलब ये कल असली महक से मिला था, अगर इस महक को जरा भी गड़बड़ की भनक लग गई तो। भूल गए? हो, अब याद आया। मिस्टर अग्निवंशी, मुझे जस्ट याद आया कि मुझे माँ से कुछ काम था। आप यहाँ विक्रम के साथ रहिए, मैं उनसे मिलकर आती हूँ। लेकिन भाभी, वो लोग का तो दाल में कुछ काला है। कल पक्का विक्रम मुझसे नहीं मिला, फिर ये किससे मिला था? कल मुझे उस डायन के कपड़े पहनने पड़ गए थे, अब तो शुद्धिकरण करना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका है। क्या कर रही थी तुम और उसके कपड़े पहनकर क्यों घूम रही थी तुम? कल मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने में हमारे बेडरूम आ गई। लेकिन वहां पर अचानक से मां आ गई और मुझे इस चुड़ैल के कपड़े पहनने पड़ गए। लेकिन अब आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मुझसे मिलने इस कमरे में रोज आएंगे और मुझे बहुत सारा प्यार करें, तो फिर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तुम्हें ऐसा मजाक लग रहा है, और तुमने उस विक्रम को प्रपोज करने का आइडिया क्यों दिया? किसी को तो जलन हो रही है। मेरे सवाल का जवाब दो, क्यों किया तुमने ऐसा? वो मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए उसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे उससे कुछ तो झूठ बोलना पड़ा, नहीं तो उसे मेरा सच पता चल जाता। अब आप हटिए, मुझे कपड़े जलाने। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, क्योंकि उसे उसके कपड़े बहुत पसंद है। अगर उसके कपड़े गायब हुए तो उसे शक हो जाए, और वैसे भी पहले ही उसने गड़बड़ भांप ली है, क्योंकि तुमने विक्रम को ये प्रपोज करने का आइडिया दिया था ना, उस विक्रम ने उसे जाके बता दी। एक बात बताइए, आप उसे इतना डरते क्यों? वैसे भी वो हमारे जैसे नॉर्मल इंसान ही है ना, आप तो ये मानने को भी तैयार नहीं है कि वो एक मायावी है। क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानता, ये सारी बातें बकवास है। बकवास नहीं है, सच है। अब सुनिए कि मैं अपने कमरे में क्यों गई थी। बोलो। तुम झूठ बोल रही हो ना? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं उसके खिलाफ हो जाऊं, जो हो नहीं सकता। अच्छा, तो फिर आप बताइए बुआ जी कहाँ? पिछले एक महीने से बुआ जी गायब है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि उस मायावी औरत ने बुआ जी के साथ कुछ जादू टोना किया है। तो फिर ठीक है, अगले 24 घंटे में मैं तुम्हें बुआ जी को ढूंढने का सबूत ला कर दूंगा और उनका अता पता बताऊंगा, और उसके बाद तुम उसके मायावी होने की या टोने टोटकी की बात नहीं करोगे। अगर आपने मुझे गलत साबित कर दिया तो मुझसे ज्यादा खुश और कोई नहीं होगा। एक बात और, अगर वो विक्रम तुम्हें प्रपोज करता है ना, तो सिर राखी बांध देना। मेरे क्यूट हस्बैंड यहाँ बैठा है। उठो। अरे चलो मैं। अरे नहीं, ये क्या कर रही हो? कॉलेज छोड़ो मेरा। क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए। ये तरीका है, डरा धमका करके बच्चा मांगता है कोई? क्योंकि मैं बेइज्जत हूँ, गुस्सा हूँ,
तुम्हारी माँ मेरी बहुत समय से बेइज्जती कर रही है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा वीरेन। कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही हो रानी? माँ तुम्हारी बेइज्जती कर रही है तो ये बच्चा बीच में कहाँ से आ गया? मेरी बात को समझो वीरेन, अगर मैं माँ बन गई ना तो हम दोनों की इस घर में इज्जत और ओहदा दोनों बढ़ जाएगा, इसलिए कह रही हूँ मुझे बच्चा चाहिए। हाँ हाँ तो ठीक है ना, रुको एक मिनट, बच्चा चाहिए तो तुम ये लो। क्या है? और क्या करूँ मैं रानी, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे बच्चा मेरी जेब में हो जो मैं तुम्हें दे नहीं रहा हूँ। तुम्हें ना इतने भोले बनने की जरूरत नहीं है वीरेन, तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूँ, मुझे कैसो रखी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है रानी मुझे। तो क्या हो गया वीरेन, हम बच्चा तो कर ही सकते है ना। अरे पागल औरत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुझे डॉक्टर के वहां जाना है, समझो। और वैसे रानी, हमने पिछले महीने कोशिश की थी, तुम भी अपने टेस्ट करवा लो, शायद मेरा काम हो चुका हो। ख्याल रखो। वाह, मेरा काम हो चुका, मतलब ये पागल आदमी बच्चे को भी अपने काम की तरह गिन रहा है। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मुझे ऐसा पति मिला है। अब मैं क्या करूं?